अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में वर्ड यंग को बोल देता है मैं घर नहीं जाऊंगा आज की रात। यंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोलती है ठीक है। फिर हवन वहाँ से नहाने चला जाता है। फिर वो बाहर आके बोलता है क्या तुम मेरे पीठ को धो दोगी। यंग शर्माती हुई बोलती है नहीं अंदर जाओ तुम। तभी कुछ देर के बाद उसका फोन आता है। वो रिसीव करके बोलती है हेलो। तभी कोई आदमी बोलता है कैसी हो मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किया हुआ। यंग बोलती है मुझे लगा कि तुम मुझे फोन नहीं करोगी कभी। ठीक है मैं समझ गई मुझे तुमसे बात नहीं करना है। फिर वो फोन को रख देती है और पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है क्या हो गया जानू। यंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है नहीं कोई बात नहीं है काम से फोन आया था। और तुम्हारा काम हो गया अब मैं जा रही शावर करने। तभी हवर्ड उसे जोर से पकड़ लेता है। यंग शर्माती हुई बोलती है मैं अभी तक शावर नहीं की हूँ। यंग बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो उसे किस कर लेता है और वो उसे बिस्तर में सुला देता है। यंग शर्माती हुई बोलती है ठीक है अब आ जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। हवर्ड उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है इसके साथ रात बिताने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर एक दिन ये अचानक से मेरी जिंदगी से गायब हो जाएगी मुझे इस बात का खुशी तो रहेगा कि ये आज की रात मेरी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अभी तक वर्जिन थी लेकिन ये सोचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। यंग बोलती है अभी से हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है और तुम्हें मुझे आके पटाना होगा। और डॉक्टर को बोलता है मुझे ये सब क्यों करना होगा। लेकिन यंग बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे पहले पीछे पड़ी थी अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे पटाते हो। अभी से हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हवर्ड बोलते हैं ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलते हैं ये सही में बहुत ही अजीब है लेकिन ये ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रही है इतना तो मैं इसके लिए कर ही सकता हूँ। फिर यंग कहीं दूर जाकर खड़ी हो जाती है और वो अपना मोबाइल चलाने लग जाती है। एक आदमी उसे देख के बोलता है वाह ये कितनी सुंदर है। तभी हवर्ड यंग के पास आके बोलते हैं हेलो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। यंग स्माइल करते हुए बोलती है नहीं। एक आदमी हवर्ड को देखते हुए अपने मन में बोलता है कोई ऐसा लड़की से बात करता है क्या। इसका तो पहले ही लाइन कट गया है। दूसरी तरफ हवर्ड यंग को बोलता है क्यों। यंग बोलती है क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। हवर्ड बोलता है लेकिन मैं तुम्हें जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हूँ। वो आदमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इसकी दिक्कत क्या है मुझे लगता है कि ये लड़की उसे मार के भगाएगी यहाँ से। दूसरी तरफ वो लड़की बोलती है लेकिन क्यों। हवर्ड बोलता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। वो आदमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है धत तेरे की ये लड़की अब तुम्हें ठरकी समझेगी वो पक्का उसे भगा देगी यहाँ से। यंग बोलती है और क्या। हवर्ड बोलता है तुम्हारा बॉडी मस्त है और तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। यंग बोलती है और क्या। हवर्ड बोलता है मुझे सबसे सुंदर तुम्हारा आंख लगा ये जेम्स की तरह ग्लो हो रहे हैं जब तुम मुझे ऐसा देखती हो मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है। वो आदमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो गया। वो अभी उस लड़की से मिला है और ये सब बोल रहा है मुझे पता है वो लड़की को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा। दूसरी तरफ यंग शर्मा की बोलती है सही में। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या यहाँ चल क्या रहा है तुम उस लड़के के जाल में मत आओ वो लड़का सही इंसान नहीं है। हवर्ड बोलता है अपना हाथ दो मुझे। यंग बोलती है तुम मेरे हाथों के साथ करना क्या चाहते हो। हवर्ड बोलता है मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। यंग अपना हाथ उसे दे देती है। तभी हवर्ड उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। वो आदमी बोलता है धत तेरी की वो कितनी आसानी से वो सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हवर्ड बोलता है क्या तुम मेरे दिल की धड़कन सुन पा रही हो तो। वो आदमी रोते हुए बोलता है तुम्हें तो एक लड़की मिल गई तुम्हारे पास कितना सारे ट्रिक है तुम सारे जवान लड़के के हीरो हो। हवर्ड यंग को ट्रेन में ले जाता है और वो उसे किस करने लगता है। वो आदमी जमीन में बैठकर रोते हुए अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि मुझे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ और बहुत ही ज्यादा डरपोक। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ आज मैं लड़के पटाना सीख गया हूँ अब मुझे भी एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगा। दूसरी तरफ यंग हवर्ड को बोलती है क्या तुमने वो लड़का का चेहरा को देखा। हवर्ड बोलता है नहीं मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। यंग बोलती है लगता है कि वो सीरियस ले लिया इसे जैसा तुम मुझे आज पटा देते हैं लग रहा है वो किसी और को पटाने वाला है। हवर्ड बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वो इतना बेवकूफ नहीं होगा। यंग बोलती है अब किसे पता वो क्या करेगा। फिर वो कपल की तरह आराम से घूम रहते हैं तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है उसमें से एक आदमी बोलता है गाड़ी धीरे से चलाओ और वो लड़की का पीछा करो। ड्राइवर बोलता है ठीक है मिस्टर लियू। फिर लियू उन दोनों का पिक्चर को क्लिक कर लेता है। फिर बोलता है सही में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है तुम भी एक नॉर्मल लड़की की तरह हो वो लड़के का इन्वेस्टिगेट करो। ड्राइवर बोलता है ठीक है मिस्टर लियू। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। एक आदमी फोन करके बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें तो अपना मिस्टर मिल गया
सिस्टर इन लॉ। ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो आदमी बोलता है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो मेरे भाई का है ना, अब समय आ गया है उसे लौटाने का। मैं सही बोल रहा हूँ ना, उस आदमी का नाम हावर्ड है ना, जो हमारे ही कंपनी में है। यंग अपने मन में बोलती है, सही में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेकार है, अगर पैसा और स्टेटस चला जाएगा तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। अगर मैं अपना कंपनी को बचा पाई फिर क्या शायद मैं उसे और अपने आप को बचा पाऊंगी। फिर वो बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। वो आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि हावर्ड अपना बिजनेस चालू किया है ना, वो अपना पूरा पैसा इसमें लगाया है, एक स्टोर कोई भी वजह से बंद हो सकता है और वो फिर से हमारा नौकर बन जाएगा। यंग बोलती है, सही में तुम पहले ही जैसे हो। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, हावर्ड सो के उठता है। तभी यंग किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग हावर्ड। हे हावर्ड, अब मुझे जाना होगा। हावर्ड बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम। यंग उसका गाल सोते हुए बोलती है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ पर मुझे जाना होगा। हावर्ड बोलता है, तुम अब कब आओगी। यंग बोलती है, मुझे नहीं पता। हावर्ड उसे गले लगा के बोलता है, क्या तुम यहीं पर रुक नहीं सकती हो क्या। यंग बोलती है, मेरा बिजनेस का कोई झमेला आ गया है। हावर्ड बोलता है, वो क्या है। यंग बोलती है, मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती हूँ। हावर्ड बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ। यंग बोलती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे जाना ही होगा, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा लिया है, भूलना मत, खा लेना उसे। हावर्ड अपने मन में बोलता है, तुम हमेशा से ऐसी हो, एक बार तुम उसे सोच ली तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हावर्ड बोलता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। यंग बोलती है, तुम मेरे पहले आदमी हो और तुम हमेशा पहले ही रहोगे मेरे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यंग अपने मन में बोलता है, सब खत्म हो गया, मुझे पता था ये सब होने वाला है लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी होगा। फिर यंग उसके बाद उसके नंबर को ब्लॉक कर दी। हावर्ड जैसे उसका ऑफिस जाता था, सिक्योरिटी उसे घुसने नहीं देता था। फिर हावर्ड घर जाकर पीने लगता है और पीते हुए बोलता है, वो हमेशा सब कुछ खुद ही डिसाइड क्यों कर लेती है, उसे क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो हमेशा ऐसे ही करती रहती है, जब उसका मर्जी रहता है वो मेरे साथ रहती है, नहीं तो वो वहाँ से चली जाती है। मैं पैसे कमाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर मैं उसे खोज के उसके साथ शादी कर लूंगा। अगर मैं उस दिन उसे रोकता नहीं तो कोई भी अलग नहीं होता। फिर वो सोफा में ही सो जाता है। फिर कुछ देर में वो होश में आ जाता है और बोलता है, उफ मेरा माथा में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो अपने आसपास देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, तुम्हारा स्वागत है फॉग के दुनिया में। हावर्ड शॉक्ड होकर बोलता है, सपनों का दुनिया में, मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा जल रहा है लेकिन मैं इस गेम में कैसे आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि पहले क्या हुआ होता है। हावर्ड सोफा में ही सो जाता है। तभी कुछ लड़कियां टीवी में बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग सबसे हॉटेस्ट आइडल ग्रुप में है। तभी हावर्ड के सामने नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, क्या तुम एज ऑफ फॉग को खेलना चाहोगे। हावर्ड अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मेरा वाइन कहाँ पर है, और वो गलती से यस में क्लिक कर देता है और वो इसी तरह गेम के दुनिया में आ जाता है। सिस्टम बोलता है, तुम्हारा स्वागत है एज ऑफ फॉग में, तुम्हें इस गेम में 180 दिन तक सर्वाइव करना होगा, जरूरी का सामान तुम्हें भेज दिया गया है। तभी हावर्ड के पीठ में एक बैग आ जाता है और उसके कमर में एक गन भी आ जाता है। हावर्ड अपने मन में बोलता है, ये गन तो हाईटेक लग रहा है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ का सारा कोहरा हट जाता है। हावर्ड बोलता है, धत तेरी की, मैं इस गेम से कैसे बाहर निकलूं। सिस्टम बोलता है, तुम इस गेम को बिना फिनिश करके जा नहीं सकते यहाँ से। हावर्ड बोलता है, बाहर में जाओ तुम। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, मदद करो मेरी, कोई है क्या, प्लीज मदद करो। हावर्ड बोलता है, ओह गेम शुरू हो गया, अब पता नहीं ये लोग किसका कॉपी बनाएगा इस बार, पहले सबरीना फिर यंग, जो भी हो मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। फिर वो वहाँ पर जाके देखता है, एक लड़की जमीन में बैठी होती है और कुछ कुत्ते उसकी ओर आ रहे होते हैं। हावर्ड बोलता है, ये गेम तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें तो सिर्फ कुत्ते हैं। दूसरी तरफ वो कुत्ता भौंकते भौंकते अपने मुँह से पाइप निकाल देता है। हावर्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, अब ये क्या है। फिर वो कुत्ता अपने मुंह से वो लड़की पर हमला करता है लेकिन वो लड़की किसी तरह उसके हमले से बच जाती है। हावर्ड ये सब देखकर अपने मन में बोलता है, ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है, चलो मैं एक बार बंदूक को आजमा लेता हूँ, और वो एक कुत्ते पर शूट कर देता है। फिर सभी कुत्ते उसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते होंगे, तुम मेरे भाई को मारे, अब हमारी बारी है, सभी लोग शूट करो उस आदमी पर। फिर वो सभी लोग उस पर हमला कर देता है। हावर्ड किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और वहाँ पर सेफ के बोलता है, वो लड़की वहाँ पर कर क्या रही है, वो भाग क्यों नहीं रही है। फिर वो उस लड़की को ध्यान से देखता है, वो यंग होती है। हावर्ड चिल्ला के बोलते हैं, हे यंग। फिर वो बिना सोचे समझे उसके और जाते हुए अपने मन में बोलता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये मुझे छोड़ के चली गई, ये गेम की वजह से क्या। हावर्ड नीचे में आके शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वो तो चली गई यहाँ से। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे यंग कहाँ पर हो तुम। फिर उसे चिल्लाने का आवाज आता है और बोलता है, वो तो वहाँ पर है,
फिर वो उसकी आवाज की ओर जाने लगता है। फिर वो देखते है कि वो कुत्ता उस पर हमला करने वाला होता है। फिर हवार्ड जल्दी से अपना बंदूक निकाल कर उस सभी को मार डालता है और यंग को बचा लेता है। फिर वो ध्यान से देखता है, वो लड़की यंग नहीं होती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर कैसे आई होती है। वो आइडल ग्रुप में सभी मेंबर अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है, हेलो मैं हूँ फोबे। दूसरी लड़की बोलती है, मेरा नाम है सनी। हवार्ड उसी समय यस में क्लिक किया होता है। हवार्ड बोलता है, तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सनी बे है। फिर हमें उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो 18 साल में टैलेंट शो में आ गई थी। फिर वो उसके बाद पॉपुलर आइडल ग्रुप में पहुंच गई और उन लोगों का ग्रुप पूरे कंट्री में फेमस है। सनी हवार्ड को बोलती है, क्या आपने यू ग्रुप के बारे में सुना है क्या? हवार्ड बोलता है, नहीं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। सनी उदास हो जाती है और बोलती है ओ। तभी उसका पेट से आवाज आने लगता है। वो बोलती है, क्या आपके पास कुछ खाना होगा क्या? हवार्ड बोलता है, मेरे पास सिर्फ यही है। सनी खाते हुए बोलती है, आपका शुक्रिया। हवार्ड अपने मन में बोलता है, हालांकि ये एक सेलिब्रिटी है, ये सही में बहुत ही अच्छी है, ये उतना बुरा भी नहीं है। सनी खाते हुए बोलती है, यम्मी। हवार्ड बोलता है, क्या तुम बहुत देर से भूखी थी क्या? सनी बोलती है, हाँ। वो गेम के अंदर आने के बाद अपनी जान को बचा रही थी। हवार्ड अपने मन में बोलता है, लगता है कि इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लगता है कि मुझे इसे अपने साथ ही रखना होगा। पहले मुझे एक सुरक्षित जगह खोजना होगा रहने के लिए। मुझे यहाँ पर 180 दिन रहना होगा। इस चैलेंज को कंप्लीट करके हम लोग ये गेम से निकल जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग सुपरमार्केट की ओर आ जाते हैं। हवार्ड बोलता है, हम लोग को आज यहीं पर रात गुजारना होगा। तभी सनी चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। फिर हवार्ड पीछे मुड़के देखता है, सनी एक कीचड़ में गिर गई होती है। हवार्ड जल्दी से उसे कीचड़ से बाहर निकाल देता है। सनी हाँफते हुए बोलती है, शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा। फिर वो लोग सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं। हवार्ड बोलता है, लगता है कि ये जगह में बॉम्ब गिरा होगा, इसलिए यहाँ पर पोखर बन गया। सनी पानी को चेक करके बोलती है, ये पानी तो एकदम साफ है, हम लोग तो यहाँ पर नहा सकते हैं। फिर हवार्ड सुपरमार्केट के अंदर जाके सामान देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, यहाँ का सारा सामान एक्सपायर हो चुका होगा, शायद बोतल वाला पानी पी सकते हैं फिल्टर करने के बाद, और कुछ कैन का खाना खोल के देखूंगा, शायद वो खाने लायक होगा तो सही होगा। फिर वो सनी के पास जाकर बोलता है, ये लो ये टॉवल और कपड़े हैं, मुझे यहाँ पर सिर्फ यही कपड़ा मिला। सनी बोलती है, कोई बात नहीं आपका शुक्रिया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, हवार्ड सनी का कपड़ा सुखा रहा होता है। तभी सनी अचानक से चिल्ला पड़ती है। हवार्ड अपने मन भी बोलता है, अब कौन आ गया? फिर वो जल्दी से बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और बोलता है, कहाँ पर है दुश्मन? फिर वो देखता है कि सनी वहाँ पर बिना कपड़ों के पड़ी होती है। हवार्ड अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्या तुम ठीक हो ना? सनी बोलती है, मैं चिल्लाई दुश्मन की वजह से नहीं, इस कपड़े की वजह से। हवार्ड बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे यही कपड़ा मिला है। सनी बोलती है, चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा चिल्ला पड़ी, मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हवार्ड बोलता है, ठीक है तुम नहा लो मैं चलता हूँ। फिर सनी नहा लेती है और वो पानी से बाहर आ जाती है। फिर वो बाल पोछते हुए अंदर आ जाती है। तभी वो जोर से छींक देती है। हवार्ड अपना कपड़ा देते हुए बोलता है, तुम मेरा कपड़ा पहन लो। सनी बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो कपड़ा पहन लेती है और वो दोनों आके सामने बैठ जाते हैं। हवार्ड बोलता है, और समय लगेगा तुम्हारे कोट को सूखने में, ये बहुत ही ज्यादा मोटा है। सनी बोलती है, ठीक है। हवार्ड बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? सनी सोचते हुए बोलती है, मैं। फिर हमें दिखाया जाता है, एक एजेंट उन लोगों को बोल रही होती है, ये सारी यू ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉपुलर फोबी है, दूसरे लड़कियां फेमस भी है लेकिन सनी बहुत ही ज्यादा कम फेमस है। सनी तुम्हारे सिंगिंग स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है सब में से, लेकिन तुम्हें ज्यादा लोग पसंद ही करते हैं। मैं तुम्हारे एजेंट के तौर से बोल रही हूँ, तुम्हें आज का टीवी शो अटेंड नहीं करना चाहिए। फिर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर यंग अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती हूँ वहीं पर। सनी बोलती है, यही सब हुआ था, फिर मैं अचानक से यहाँ पर आ गई, मैं कितना भी रोकर चिल्ला रही थी फिर भी कोई मेरा मदद नहीं कर रहा था। हवार्ड अपने मन में बोलता है, क्या गेम का सिस्टम खराब हो गया क्या? मैं इस गेम में इसे नहीं चाह रहा था, अगर इस गेम में यंग होती तो मैं उसे सवाल तो पूछ सकता था ना। हवार्ड बोलता है, मैंने यहाँ का खाना चेक किया है, कैन का फूड अभी भी खाने लायक है, अगर तुम्हें पानी पीने का मन होगा तो फिल्टर करके पीना, ये लो स्लीपिंग बैग अपने पास रखो। हवार्ड अपने मन में बोलता है, सिस्टम तो मुझे सही में बहुत ही अच्छा सामान दिया है। सनी बोलती है, क्या तुम मुझे यहीं पर अकेला छोड़ के चले जाओगी? हवार्ड बोलता है, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। सनी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी कि मेरे वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। तभी हवार्ड को पीछे से आवाज आता है। फिर वो जल्दी से बंदूक निकाल लेता अपना। फिर सनी को बोलता है, वहां पर कुछ है, मैं देख के आता हूं, तुम यहीं पर रुको। सनी घबराते हुए बोलती है, वहाँ पर देखो। हवार्ड अपने पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर एक बियर खड़ा होता है। सनी बोलती है, अगर हम लोग मरने का नाटक करेंगे तो
तो ये काम करेगा? हॉट बोलता है बियर मरे हुए को भी खा लेता है। सनी बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग पेड़ पे चढ़ जाए। हॉट बोलता है बियर लोग इंसानों से बहुत ही ज्यादा तेज चढ़ सकता है। फिर वो भालू पर शूट कर देता है बंदूक से, लेकिन वो भालू उसके हमले से बच जाता है और उस पर हमला करके उसके बंदूक को फेंक देता है। और वो हॉट की ओर गुस्से से देख रहा होता है। सनी वो भालू को गुस्से में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से चिल्लाते हुए भागने लगती है। फिर वो भालू सनी की ओर जाने लगता है। हॉट अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हो रहा है। फिर वो जलता हुआ पत्थर उठाकर उस बियर की ओर फेंक देता है, लेकिन वो बियर अपने हाथों से उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसके हमले से उसका हाथ जल जाता है। हवाड़ी ये देखकर अपने मन में बोलता है मशीन, तो ये एक मशीन वाला बियर है, ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। फिर हवाड़ चिल्लाते हुए बोलता है हे भद्दे भालू, तुम लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो एक ठड़की की तरह, आओ और एक मर्द का सामना करो। ये सुनकर भालू गुस्से में आ जाता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। हवाड़ अपने मन में बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। अच्छा हो कि मुझे सेकंड लेवल में सहने वाला शक्ति मिला था। फिर वो जल्दी से एक पत्थर उठा लेता है और भागते हुए अपने मन में बोलता है ये राखी सर जहाँ पर सनी गिरी थी। फिर वो कुदा के उस पार आ जाता है उसका और पत्थर से उस भालू के पाँव में निशाना लगाता है। भालू अपने मन में बोलता होगा धत तेरी की है मैं तो गया, और वो कीचड़ में गिर जाता है। तभी कुछ देर के बाद भालू चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। हवाड़ अपने मन में बोलता है प्लीज ये काम कर जाए, नहीं तो मैं इसके हाथों से आज मारा जाऊंगा। दूसरी तरफ भालू अपने आप को देख रहा होता है कि वो सही है ना, जहाँ पर हवाड़ ने हमला किया था उसके अंदर पानी घुस गया होता है, इसी के कारण उसे करंट लगने लगता है और वो तड़पते तड़पते वहीं पर मारा जाता है।